Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, today we will talk about special senses. यानी special senses human body के वो organs है, human body के वो systems है, with the help of which we perceive the environment. यानी environment में जितने भी changes आते हैं उसको जिस senses के ज़रिए, जिस organ के ज़रिए हम receive करते हैं, हम परसीव करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेस. यानी फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जितनी भी सराउंडिंग में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में अगर नॉइस है, शोर है, तो उसको हम विद द सेंस ऑफ हियरिंग हम उसको परसीव करते हैं, उसको हम उसकी हम परसेप्शन करते हैं, और हमें ये फील होता है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट लाइक विद अ साउंड ऑफ एनी थिंग्स. तो हम उसको इस तरह परसीव करते हैं और हम साउंड को वी में आइडेंटिफाई द साउंड इज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और हम वो ऑब्जेक्ट भी परसीव करते हैं कि ये फला चीज़ की आवाज़ है, ये इंसान की आवाज़ है, ये गाड़ी की आवाज़ है. इसी तरह अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए तो वी में परस्यू विद द हेल्प ऑफ विजन, हम विजन्स के ज़रिए उसको परस्यू करते हैं, उसको रिसीव करते हैं. तो कहने का मेन मकसद यह है कि स्पेशल सेंसेस ह्यूमन बॉडी के 5 सेंसेस है, लेकिन अभी इसमें एक एक्स्ट्रा भी इंक्लूड किया गया है. सम बुक्स में कॉल देम 6 सेंसेस एंड इन सम बुक्स इट में मेंशन 5 सेंसेस. तो कुछ बुक में ये 5 सेंसेस इंक्लूड किए गए हैं और कुछ में ये 6 सेंसेस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं. तो स्पेशल सेंसेस वो सेंसेस है जिसके ज़रिए हमें इन्वायरमेंट का पता चलता है. इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं उसको हम फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसेस. जिस तरह हम आईज़ के ज़रिए हम देखते हैं, स्किन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर को फील करते हैं, विजन्स के ज़रिए इस तरह, हियरिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को सुनते हैं, इस तरह स्मेल को हम जो है वो फील करते हैं, टेस्ट को हम फील करते हैं. तो ये जितने भी हैं इसको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेस. यानी स्पेशल सेंसेस आर द सेंसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी परस्यू द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट की परसेप्शन करते हैं, एनवायरनमेंट को फील करते हैं, एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं हम उसको महसूस करते हैं. ऑब्जेक्टिव. एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन की टर्म्स. कुछ की टर्म्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ईयर्स. ईयर चूंकि एक सेंस ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के लिए विच इज़ यूज फॉर हियरिंग, जो कि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर. साउंड किस तरह ट्रांसमिट होता है इन्वायरमेंट से विद द हेल्प ऑफ ईयर्स टू ब्रेन. यानी इन्वायरमेंट से ईयर के ज़रिए हम किस तरह आवाज़ को सुनते हैं और ब्रेन में किस तरह फिर साउंड की इंटरप्रिटेशन होती है और हमें फील होता है कि ये फला चीज़ की आवाज़ है. डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस. और कान के ज़रिए हम किस तरह अपने वजूद को बैलेंस में रखते हैं और किस तरह हमें जो है वो हियरिंग फील होती है, इसके बारे में हम बात करें. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्टर. ये कुछ कंसेप्ट है, कुछ रिसिप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से. सबसे पहले हम बात करेंगे रिसिप्टर के हवाले से. फिर रिसिप्टर के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है जो कि मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस को परस्यू करते हैं. तो रिसिप्टर क्या है? रिसिप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल. रिसिप्टर प्रोटीन प्रोटीनिक है, ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एंड इट्स ग्यू रिस्पांस टू एनी केमिकल आर फिजियोलॉजिकल चेंज विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी के जो अंदर जो भी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो या हम कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स वगैरह इंटर करते हो, तो वो जो इफ़ेक्ट करता है वो इफ़ेक्ट बिकॉज ऑफ रिसिप्टर, वो रिसिप्टर की वजह से होता है. यानी फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक पेनाडाल टेबलेट खा लिया. अब ये पेनाडाल टेबलेट में प्रेजेंट होता है पैरासीटामॉल. ये पैरासीटामॉल जब सेल के अंदर एंटर होता है तो पैरासीटामॉल के लिए सेल के ऊपर अपना रिसिप्टर होता है. रिसिप्टर का मतलब यह है रिसिप्शन, यानी वो इस ड्रग्स को रिसीव करता है, इसकी परसिप्शन करता है और इसके बाद जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती है इनसाइड द सेल वो लेके आता है. यानी रिसिप्टर का मतलब इस तरह है, जिस तरह देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल में रिसिप्शनिस्ट होता है, एक बंदा बेटा होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग आके उससे पूछते हैं. तो इसी तरह सेल के अंदर वो एरियाज जहाँ ड्रग्स आते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस लेके आता है इनसाइड द सेल, तो उस पार्ट को हम कहते हैं रिसिप्टर. तो इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप है. फर्स्ट है कीमोरिसिप्टर. तो कीमोरिसिप्टर वो रिसिप्टर है जो कि केमिकल चेंजेस को रिस्पांस देता है. जितने भी केमिकल चेंजेस आते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इट्स मे बिकॉज ऑफ कीमोरिसिप्टर. यानी कीमोरिसिप्टर रिस्पॉन्ड टू केमिकल इंक्लूडिंग ऑर्डर, टेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स, कंपोजिशन. यानी जितनी भी ऑर्डर है हम ऑर्डर को हम फील करते हैं. इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को फील करते हैं. जितने भी बॉडी कंपोजिशन है वो
एक बैलेंस में रहती है। तो वो किस चीज़ की वजह से, ये कीमोरिसेप्टर की वजह से जो है वो एक बैलेंस में रहती है। इसके बाद है थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि हीट या कोल्ड को रिस्पांस देता है। यह हीट और कोल्ड की जो बैलेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बैलेंस रहती है बिकॉज ऑफ थर्मोरिसेप्टर। इसी तरह है नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि पेन को रिस्पांस देता है, यानी अगर कोई पेन वगैरह है तो इसकी वजह से ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये हमें अलार्म करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी चेंजेस विच में आकर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो नोसिसेप्टर क्या है? आर पेन रिसेप्टर विच रिस्पॉन्ड टू टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रामा, इस्कीमिया। अगर ट्रामा हो जाए या इस्कीमिया हो जाए, किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिया। तो उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। ये पेन हमें किस रिसेप्टर की वजह से फील होता है? ये नोसिसेप्टर की वजह से। मैकेनोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू फिजिकल डिफॉर्मेशन कास्ड बाई वाइब्रेशन, टच प्रेशर, स्ट्रेच और टेंशन। तो देखिए, अगर हम स्किन के ऊपर कोई फिजिकल प्रेशर अप्लाई करें, कोई फोर्स अप्लाई करें, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के फेन या हमें मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह प्रेशर या वाइब्रेशन फील होता है। यह हमें किस चीज़ की वजह से फील होता है? यह हमें फील होता है बिकॉज ऑफ मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनो मीन्स मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स एनी फिजिकल फोर्स। फोटोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू लाइट, लाइट लाइक आइज़। फोटोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द आइज़ और ये मुख्तलिफ किस्म के जितने भी कलर्स होते हैं जो कि हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आइज़, ये हमें डिफ्रेंशिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोरिसेप्टर। प्रोप्रियोरिसेप्टर या प्रोप्रियोसेप्टर भी हम इसको कहते हैं, सेंस द पोजिशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर इट्स पार्ट, दे आर फाउंड इन मसल, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। तो देखें, प्रोप्रियोसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स है जिसकी वजह से हम अपनी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाथ उठा दें तो हमें पता चलता है कि हमारा हाथ जो है वो ऊपर है। इसी तरह अगर हम लेटे हुए तो हमें पता चलता है कि हम लेटे हुए या सोए हुए। तो इस तरह हमें पोजिशन के बारे में जो पता चलता है वो किस चीज़ की वजह से? वो प्रोप्रियोसेप्टर्स की वजह से हमें फील होता है और ये मुख्तलिफ किस्म के मसल, टेंडन्स और जॉइंट्स में ये इस किस्म के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्गन यानी फर्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में। हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। यानी फर्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? वो है हियर, ईयर। यानी ईयर यानी कान के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कान की या ईयर्स की एनाटॉमी क्या है और इस किस तरह ईयर जो है वो उसके ज़रिए हम सुनते हैं और किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ ईयर्स हम अपनी बैलेंस जो है वो बरकरार रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईयर के मेन दो फंक्शंस हैं। एक है हियरिंग, यानी एक ईयर के ज़रिए हम सुनते हैं, और दूसरा है बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम। दूसरा इसका मेन फंक्शन जो है वो है बैलेंस, यानी अगर हम सर को एक साइड पे जो है वो बेंड करें तो हमें पता चलता है कि हमारा सर एक साइड पे है, राइट पे है या लेफ्ट पे है। तो ये हमें किस चीज़ की वजह से पता चलता है? ये हमें ईयर की वजह से। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ इस तरह फ्लूइड्स है और इस तरह हमें पता चलता है। जिस तरह आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के ये वर्कर जो मेसन्स होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं, इसके साथ एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ किस्म के फ़र्श की ऊंचाई और मुख्तलिफ किस्म के इसकी ऊंचाई और इसकी बिलो ग्रोथ जो है वो मेजर करते हैं। तो वो इसी तरह एक जगह पे उसको रखते हैं और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूवमेंट करता है और इस फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से उसको पता चलता है कि द एरिया इज़ अप और डाउन, यानी ये एरिया ऊंचाई पे है या ये इस तरह डाउनवर्ड है। तो इसी तरह डिवाइस बिल्कुल द सेम इसी तरह ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसके ज़रिए हम जो है वो अपनी बैलेंस को मेज़र करते हैं। द ईयर हैज़ थ्री रीजन। देखिए, सबसे पहले ईयर के हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो ईयर को हम थ्री पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर की जो केनाल है और इसके साथ जो पीना है या आरिकल्स है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर, इसी तरह मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो ईयर को हम थ्री पार्ट्स पे डिवाइड कर लेते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। और इसमें हर एक पार्ट के अपने हर एक एक्सटर्नल ईयर के अपने पार्ट्स है, मिडिल ईयर के अपने पार्ट्स है और इनर ईयर के अपने पार्ट्स है। The first two are concerned only with transmitting the sound waves to the inner ear. तो देखिए, middle ear और external ear ये सिर्फ transmission करता है, यानी ये sound waves को बाहर से transmit करता है toward inner ear. Main functions hearing की वो है inner ear के, यानी इनर ईयर में मुख्तलिफ किस्म के आर्गन प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसके साथ साथ बैलेंस के लिए भी। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप लोगों की सिंपल आंसर ये होगी कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर इनका फंक्शन सिर्फ इस हद तक महदूद है कि ये साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है टुवर्ड इनर ईयर।
एक्सटर्नल ईयर, द एक्सटर्नल ईयर इज अ फनल शेप। तो देखिए आप लोग इसी तरह अगर ईयर की आप लोग एनाटॉमी में बना ले तो ये ईयर की फॉर एग्जांपल ये पीना है जिसको हम आरिकल भी कहते हैं, इसके साथ साथ ये एयर ड्रम है या इसको हम एयर केनाल भी कहते हैं। तो ये ईयर की सम एनाटॉमी है। द एक्सटर्नल ईयर इज़ अ फनल शेप, ये बिल्कुल फनल शेप की तरह होती है, जिस तरह आप लोग देखते हैं फनल को जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के बोतल्स में मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स वगैरह डालते हैं, तो ये फनल की शेप की तरह होती है। ट्यूब ऑडिटरी केनाल, यानी इस ट्यूब को, ये ट्यूब जो है इसको हम कहते हैं ऑडिटरी केनाल। दैट कंडक्ट एयर वाइब्रेशन टू द ईयर ड्रम, द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पीना और आरिकल। तो देखिए ये आउटर पार्ट जो कि आउटर इन्वायरमेंट की तरफ होता है, इसको हम पिन्ना या इसको हम आरिकल कहते हैं। अब इन पिन्ना और आरिकल का काम यह है कि ये साउंड वेव्स को जो है वो कलेक्ट करता है और इसी तरह साउंड वेव्स को ईयर किनाल की तरफ या ऑडिटरी किनाल की तरफ ट्रांसमिट करता है। तो देखिए आरिकल या पिन्ना का मेन काम क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। द एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल कंटेन अ फ्यू हेयर्स एंड स्पेशलाइज स्वीट ग्लैंड्स का सेरोमिनियस ग्लैंड्स। तो देखिए आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ऑडिटरी केनाल। ये ऑडिटरी केनाल है और ऑडिटरी केनाल के एट द एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। तो ये एक ऑडिटरी केनाल है। ऑडिटरी केनाल में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के विस्कस टाइप का जो है वो फ्लूइड या इस तरह का मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेरोमिनियस, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। सीक्रेट से ईयर वैक्स या सीरोमेन। तो देखिए सीरोमिनियस ग्लैंड जो है वो जो एक्सक्रीशन पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं ईयर वैक्स या सीरोमेन। और अब देखिए सीरोमिनिया ईयर वैक्स का काम क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस तरह डस्ट वगैरह को ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है और कान के अंदर नहीं जाने देता। द हेयर एंड सीरीमेन हेल्प प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड माइक्रो फ्रॉम इंटरिंग द ईयर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट वगैरह है वो इस एयर वैक्स के अंदर ट्रैप होते हैं और अंदर नहीं जा सकते। देखिए इसके बाद हम आते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर यहाँ से ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द टिम्पेनिक कैविटी ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो देखिए ये एक टिम्पेनिक कैविटी है जिसमें प्रेजेंट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये टेम्पोरल लोब्स के यानी हेड का जो टेम्पोरल बोन्स है, हेड की एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुख्तलिफ किस्म के फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बोन्स है। तो देखिए ये भी एमसीक्यूज़ में आ जा सकता है कि ईयर इज़ प्रेजेंट नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन। तो देखिए ईयर जो है वो टेम्पोरल बोन के कॉर्नर पे या टेम्पोरल बोन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इट बिगिन विद द ईयर ड्रम्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है इससे स्टार्ट होता है कौन सा पार्ट, मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक्सटर्नल ईयर के सिर्फ दो पार्ट है, पीना या आरिकल्स जो कि बाहर वाला विजिबल कार्टिलेजिनियस पार्ट है कान का, इसको हम कहते हैं पीना या आरिकल्स। और इसके साथ साथ ऑडिटरी केनाल, ऑडिटरी केनाल जो कि इसका काम है साउंड वेव्स को इनर ईयर तक या मिडिल ईयर तक पहुंचाना। दूसरा पार्ट है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर स्टार्ट होता है टेम्पोरल बोन के अंदर से, टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, और मिडिल ईयर स्टार्ट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, इससे स्टार्ट होता है मिडिल। अब देखें मिडिल ईयर की कौन कौन से पार्ट है। पोस्टीरियर टू द टिम्पेनिक कैविटी इज कंटिन्यूस विद द मेस्टॉइड एयर सेल इन द मेस्टॉइड प्रोसेस। देखिए अगर आप लोग इसी तरह फॉर एग्जांपल ये ईयर है, अगर ईयर के आप लोग बैक साइड पे देखें, पोस्टीरियर मींस बैक साइड पे, तो आप लोगों को इस तरह एक उभरा हुआ, यहाँ पे आप लोगों को इसी तरह एक उभरा हुआ बोन्स नज़र आएगा बैक साइड पे, बिल्कुल ईयर के बैक साइड पे। तो इसको हम कहते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस, और मेस्टॉइड प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेस्टॉइड सेल्स, मेस्टॉइड एयर सेल। अब मेस्टॉइड सेल्स का काम क्या है, इट इज़ फील्ड विद एयर दैट इंटर बाय द वे ऑफ ऑडिटरी एस्टेचियन ट्यूब अ पैसेज वे टू द नेसोफेरिंग्स। तो देखिए इस मेस्टॉइड प्रोसेस में प्रेजेंट होता है एयर, और ये एयर कहाँ से आता है, ये ईयर वे से आता है विद द हेल्प ऑफ नेसोफेरिंग्स, यानी नेसोफेरिंग्स से एक ट्यूब इंटर होता है इन साइड द ईयर, और इसको हम कहते हैं एस्टेचियन ट्यूब। ये एस्टेचियन ट्यूब इसी तरह जो है वो दाखिल होता है इनटू मिडिल ईयर फ्रॉम द ट्रेक या आर फ्रॉम द एयर वे, यानी ये एयर वे से इंटर होता है और इसके ज़रिए हवा जो है वो दाखिल होता है इनसाइड टू मेस्टॉइड प्रोसेस, यानी मेस्टॉइड प्रोसेस के अंदर हवा दाखिल होता है विद द हेल्प ऑफ एस्टेचियन ट्यूब अ पैसेज वे टू द नेसोफेरिंग्स, और ये नेसोफेरिंग के साथ कनेक्ट होता है।
द टिम्पेनिक कैविटी 2 to 3 mm वाइड बिटवीन आउटर एंड इनर एयर कंटेन द 3 स्मॉलेस्ट बोन एंड 2 स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो देखिए टिम्पेनिक कैविटी वो कैविटी होती है जो स्टार्ट होती है ईयर ड्रम से या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। तो ये 2 to 3 mm ये वाइड होती है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है 2 to 3 mm तक होती है, और इसमें प्रेजेंट होता है 3 स्मॉलेस्ट बोन एंड 2 स्मॉलेस्ट मसल। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी स्मॉल बोन आर प्रेजेंट इनसाइड द टिम्पेनिक कैविटी, तो देखिए 3 स्मॉल बोन और 2 स्मॉलेस्ट मसल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द बोन कॉल्ड द ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब देखिए ये बोन जिसको हम मेलियस एंकस और स्टेपिस कहते हैं, इसको हम कंबाइनली कलेक्टिवली वी मे कॉल देम ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑडिटरी ऑसिकल, तो ये जितनी भी 3 स्मॉलेस्ट बोन है, और दूसरे से क्यों ये भी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स है, और इसके एग्जाम्पल्स है मेलियस एंकस और स्टेपिस। कनेक्ट द ईयर ड्रम्स टू द इनर ईयर, और ये जितने भी स्मॉल बोन हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये ईयर ड्रम है तो ये इस तरह ईयर ड्रम के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये साउंड वेव्स को जो है वो ईयर ड्रम से रिसीव करते हैं और पहुँचाते हैं टू वर्ड इनर ईयर। द फर्स्ट बोन इज कॉल्ड मेलियस। फर्स्ट बोन जो स्टार्ट होता है या जो कनेक्ट होता है ईयर ड्रम के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटरी ऑसिकल इज इन कॉन्टैक्ट विद ईयर ड्रम, तो वो है मेलियस। मेलियस डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट होता है टू वर्ड्स आर विद ईयर ड्रम। इसके साथ है सेकेंड इज एनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस। और इनका काम क्या है, इन ऑडिटरी ऑसिकल का मेन काम यह है कि ये साउंड वेव्स को ईयर ड्रम से रिसीव करता है और ये वाइब्रेशन स्टार्ट करके साउंड वेव्स को पहुँचाता है टू वर्ड इनर ईयर। द टू मसल आर स्टेपिडियस कनेक्टिंग स्टेपिस टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैविटी एंड टेंसर टेम्पेनाई या टेम्पेने विच कनेक्ट मेलियस। तो देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के 2 बोन्स है। एक बोन्स जो है वो स्टेपिस को कनेक्ट करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैविटी, यानी ईयर की जो कैविटी है, या इसको हम ऑडिटरी कैविटी या टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं, यानी ये बोन जो है स्टेपिस का जो बोन है वो इस मसल के ज़रिए कैविटी के बैक साइड के साथ वो कॉन्टेक्ट में होता है। एंड टेंसर टेम्पेनी विच कनेक्ट मेलियस, और ये मेलियस को जो है वो इस टेम्पेनिक कैविटी के साथ कनेक्ट करता है। यानी मतलब ये है कि ये बोन ये स्मॉलर बोन जो है ये इस मसल के जरिए टेम्पेनिक कैविटी के साथ कनेक्ट में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल ईयर्स की। तो देखिए मिडिल ईयर में 2 पार्ट्स के बारे में हमने बात की, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टिम्पेनिक कैविटी। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, और टिम्पेनिक कैविटी में हमारे पास 3 स्मॉलेस्ट बोन एंड 2 स्मॉलेस्ट मसल ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं टू वर्ड्स इंटरनल ईयर। द इंटरनल ईयर इज आल्सो कॉल्ड लिब्रिंथ बिकॉज ऑफ इट्स सीरीज ऑफ चैनल। तो देखिए इंटरनल ईयर्स को हम लिब्रिंथ भी कहते हैं, और इसकी रीजंस क्या है, यानी हम क्यों इसको लिब्रिंथ कहते हैं, इसकी वजह यह है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सीरीज ऑफ जो है वो केनाल प्रेजेंट होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इसी तरह केनाल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लूड जो है वो उसका सर्कुलेट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन डिवीजन, यानी इंटरनल ईयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है बोनी लिब्रिंथ, यानी बोनी लिब्रिंथ वो लिब्रिंथ है जो कि मुख्तलिफ किस्म के डक्ट पे कंसिस्ट है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह वेसल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं। एंड मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ, और ये मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ इन डक्ट्स को या इन जितने भी ये हॉलो ऑर्गन्स है इसको कवर करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक वेसल बना ले, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेसल्स है जिसको हम कहते हैं लिब्रिंथ। तो देखिए ये लिब्रिंथ की जो डक्ट है जो कि मैंने बना दिया, ये डक्ट है, इस डक्ट को हम कहते हैं बोनी लिब्रिंथ, और इसके अंदर यहाँ पे एक तरह का मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, इस मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। द बोनी लिब्रिंथ अ सीरीज ऑफ कैविटी एंड ट्यूब्स इन द टेम्पोरल बोन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये बोनी लिब्रिंथ है, ये हॉलो या डक्ट्स पे कंसिस्ट होता है और इसके 3 पार्ट्स है। द सेमी सर्कुलर केनाल द वेस्टिब्यूल्स बोथ ऑफ देम कंटेन रिसिप्टर फॉर इक्विलिब्रियम एंड द कोक्लिया विच कंटेन रिसिप्टर फॉर हियरिंग। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टिब्यूल का मेन फंक्शन। ये वेस्टिब्यूल टाइप है किस चीज़ की, बोनी लिब्रिंथ की, ये बोनी लिब्रिंथ की पार्ट है। अब वेस्टिब्यूल्स का मेन काम क्या है, वेस्टिब्यूल का इसको हम स्ट्रक्चर में जो है वो
इसको इंटरप्रेट करेंगे। वेस्टिब्यूल का मेन मकसद जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है, और दूसरा पार्ट जो है वो बोनी लिब्रिंथ का है, वो है कोकलिया। कोकलिया का मेन काम जो है वो है हियरिंग, यानी कोकलिया के ऊपर रिसिप्टर प्रेजेंट होता है हियरिंग के लिए, और वेस्टिब्यूल के अंदर रिसिप्टर प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम्स के लिए। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ईयर के दो मेन फंक्शंस है, यानी एक ये इसके ज़रिए हम सुनते हैं, और दूसरे इसके ज़रिए हम अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। The bony labyrinth is lined with periosteums and contain perilymph, a fluid between the bony and the membranous lymph. तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले MCQs में कि the fluid which is circulating inside the bony labyrinth is called, तो देखिए वो fluid जो bony labyrinth के दरमियान में बहता है उसको हम कहते हैं perilymph. The membranous labyrinth, a series of sacs inside the bony labyrinth. तो देखिए, जिस तरह मैंने फॉर एग्जाम्पल ये डक्ट है, इस डक्ट के अंदर एक फ्लूड बहते है जिसको हम कहते हैं पेरिलिम्प, और यहाँ पे एक वेसल्स है, इस वेसल्स के दरमियान में जो फ्लूड बहता है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, यानी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के दरमियान जो फ्लूड बहता है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, और बोनी लिब्रिंथ के दरमियान जो फ्लूड बहता है उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। और इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म के साउंड वेव्स को बीट ट्रांसमिट करता है, और इसके साथ साथ इसके ज़रिए हमें अपने इक्विलिब्रियम्स का जो है वो पता चलता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइस जो मेसन यूज़ करते हैं, इसमें यहाँ पे एक स्केल्स होता है, वाइट कलर का स्केल्स होता है, और इसके अंदर फ्लूड जो है वो बहता है। अब अगर इसकी ये सर हम ऊपर उठा लें तो इसके ज़रिए ये फ्लूड जो है ये नीचे आते हैं, और इसके लिए इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि दिस एरिया इज़ अपवर्ड, ये एरिया थोड़ा सा ऊपर है, और इसके ज़रिए हम किसी भी ग्राउंड की या किसी भी दीवार वगैरह की वो हाइट और वेट और इसकी बैलेंस को हम मेजर करते हैं। द वेस्टिब्यूल इज़ द ओवल कैनाल पोर्शन ऑफ अ चैम्बर ऑफ द बोनी लिब्रिंथ। अब जी देखिए, वेस्टिब्यूल्स के ज़रिए, वेस्टिब्यूल का मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन इसका यह है कि इसके ज़रिए हम अपने इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन रखते हैं, और ये एक सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल पोर्शन है बोनी लिब्रिंथ की। प्रोजेक्शन सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द वेस्टिब्यूल आर थ्री बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके साथ साथ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल भी है बोनी लिब्रिंथ के साथ अटैच है, इसको हम स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड वन, एक तो हमने वेस्टिब्यूल के बारे में बात की जिसका काम मेन फंक्शंस ये है कि ये इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन रखते हैं, दूसरा ये है कोकलिया। कोकलिया में प्रेजेंट होता है हियरिंग के रिसिप्टर्स, और इसके ज़रिए हम सुनते हैं। द कोकलिया हैज़ थ्री फ्लूइड फिल चैम्बर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। तो देखिए, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कोकलिया जो है वो थ्री फ्लूइड फिल चैम्बर पे कंसिस्ट होता है। एक कोकलिया में थ्री इसी तरह के फ्लूइड चैम्बर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह थ्री चैम्बर। द सुपीरियर वन इज़ स्केला, एक जो है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूल्स। द मिडल वन इज़ स्केला मीडिया आर कोक्लियर डक्ट, एंड द इन्फीरियर इज़ स्केला टेम्पेनी, जो नीचे वाला है उसको हम कहते हैं स्केला टेम्पेनी। तो ये एक है स्केला मीडिया, एक है स्केला वेस्टिब्यूल, और थर्ड वन है स्केला टेम्पेनी। ये थ्री पार्ट्स है, थ्री चैम्बर्स है कोकलिया की। तो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थ्री पार्ट ऑफ कोकलिया, और कोकलिया का मेन फंक्शंस क्या है, इसका मेन फंक्शंस ये है हियरिंग। तो देखिए, ये कोकलिया की शेप जो है वो स्नेल की तरह होती है। स्नेल आप लोग देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रीने वाले कीड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेल, ये अक्सर सर्दी के मौसम में जो है वो पाए जाते हैं। विद इन द स्केला मीडिया इज़ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो मीडियम पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का मेन मकसद क्या है, विच इज़ अ थिक एपिथेलियल विद एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, इट कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्स। तो देखिए, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इसी तरह जो है वो सेल्स होते हैं, और ये साउंड वेव्स को रिसीव करके ये नर्व सेल्स को या नर्व सिस्टम को जो है वो रिस्पांस देता है। यानी मतलब ये है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के जरिए साउंड वेव्स जो है वो ट्रांसफर होती है इनटू नर्व इंपल्स। द एपिथीलियम इन द कॉर्टी इज़ कम्पोज ऑफ हेयर सेल एंड सपोर्टिंग सेल, और जो एपिथीलियम सेल्स है जो कि आउटर सर्फेस सेल्स है किसी भी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की, इसमें प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल जिसके ज़रिए हम सुनते हैं, एंड सपोर्टिंग सेल, और कुछ सेल्स उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये पार्ट है आउटर ईयर की, और इसके साथ साथ यहाँ से आप यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक जो है वो है आउटर ईयर। आउटर ईयर्स के ज़रिए ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये बैक साइड पे प्रेजेंट होता है ईयर की, या पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये है ईयर केनाल, या इसको हम ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं। ये है पीना, जिसको हम पीना या आरिकल भी हम इसको कहते हैं। ये साउंड वेव्स को कंबाइन करके यहाँ तक पहुँचा देता है, यानी ये मुख्तलिफ एरिया से साउंड वेव्स को कंबाइन करके एयर ड्रम तक पहुँचा देती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है एयर ड्रम, या इसको हम कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास
ऑडिटर ये है हमारे पास टेम्पेनिक कैविटी जिसमें प्रेजेंट होता है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडिटरी बोन्स, ये है स्टेपिस, इंकिस और मेलियस, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे टू मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए ये स्टेपिस वगैरह जो है ये इन कैविटी के साथ इन कंटेक्ट में होते हैं। इसके बाद ये हम अगर आते हैं डाउनवर्ड तो ये स्टार्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सेमी सर्कुलर केनाल्स है, ये है कोकलिया। तो कोकलिया यहाँ से नीचे स्नेल टाइप का जो आपको नज़र आता है ये है कोकलिया, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ्लूइड जो है वो बहते हैं और इसके ज़रिए हमें साउंड वेव्स जो है वो फील होते हैं। तो ये ईयर के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट है। अब देखिए यहाँ तक ये है मिडल ईयर जिसमें टू मसल्स और थ्री बोन्स है और एक है एयर ड्रम। इसके बाद है इनर ईयर जिसमें वेस्टिब्यूल्स है और कोकलिया है। यह वेस्टिब्यूल्स और कोकलिया का मेन काम क्या है वो है साउंड और इक्विलिब्रियम। इसके बाद यह है एस्टिचियन ट्यूब जिसके ज़रिए नेजोफेरिंग्स से ईयर आता है इनटू द मेस्टॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस में जो ईयर आता है वो विद द हेल्प ऑफ एस्टिचियन ट्यूब जो है वो इंटर होता है। ये दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर है, ये है आउटर ईयर। इसके बाद ये है एक्सटर्नल ईयर, यहाँ तक जो है वो एक्सटर्नल ईयर है। इसके बाद ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है और इसके साथ अटैच होते हैं मेलियस और इसके साथ एंकस और स्टेपिस, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स या बोनी ऑसिकल्स। और इसके साथ साथ ये ओवल विंडोज़ है, ओवल विंडोज़ के ज़रिए जो है वो एयर साउंड वेव्स जो है वो इंटर होते हैं। इसके बाद ये एरिया जो है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, और इसमें जो फ्लूइड बहता है इसके ज़रिए हम अपनी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद अगर हम इस कैविटी की बात करें तो इसको हम कहते हैं ये वेस्टिबुलर डक्ट है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फ्लूइड बहते हैं। और इसके साथ साथ ये स्नेल टाइप की आप लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आती है इसको हम कहते हैं कोकलिया। और कोकलिया थ्री टाइप्स पे या थ्री चैम्बर्स पे कंसिस्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं वन चैम्बर, टू चैम्बर और इन थ्री चैम्बर। ये थ्री चैम्बर जो है वो कम्बाइनली या कलेक्टिवली में इट्स में फॉर्म्स आ कोकलिया। अब देखिए कोकलिया का मेन फंक्शंस हियरिंग है और वेस्टिब्यूल का मेन फंक्शंस क्या है वो है इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन रखना। ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। तो देखिए ये कोकलिया से जो है इस फ्लूइड, ये फ्लूइड इसके साथ हीट होते हैं, तो जब ये इसके साथ हीट होते हैं तो इसके इसको एक्टिवेट करता है और इसके ज़रिए ये रिस्पांस देता है नर्व सेल्स को या कोकलियर जितने भी नर्व्स होते हैं, तो ये नर्व्स जो है वो हियरिंग को पहुंचा देता है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स इनटू ब्रेन। तो ये ब्रेन तक पहुंचा देता है और ब्रेन के ज़रिए हमें फिर फील होता है कि ये किस किस्म का साउंड है और ये किस चीज़ का साउंड है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अब देखिए अभी तक हमने एनाटॉमी के बारे में बात की, अब देखिए साउंड का या हियरिंग का या हियरिंग सिस्टम का या सेंस ऑफ हियरिंग के दो फंक्शंस है, एक इसका है हियरिंग और दूसरा इसका मेन फंक्शन है इक्विलिब्रियम। तो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग यानी हम किस तरह हियरिंग जो है वो किसी चीज़ को सुन सकते हैं, किसी चीज़ को हम किस तरह विद द हेल्प ऑफ ईयर हम उसको फील करते हैं। द ऑरिकल्स डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम पिना कहते हैं ये साउंड वेव्स को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड ऑडिटरी कैनाल। द साउंड वेव्स ट्रिक द एयर ड्रम, इसके बाद ये साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल के जरिए ये एयर ड्रम तक हिट करते हैं एंड गेट्स इनटू वाइब्रेटेड, और इसके साथ एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। द सेंट्रल एरिया ऑफ द एयर ड्रम इज कनेक्टेड विद द मेलियस विच स्टार्ट टू वाइब्रेट। इसके बाद ये जितने भी स्मॉलेस्ट बोन्स है ये उसको वाइब्रेट करता है और इसके बाद ये वाइब्रेशन अंदर चला जाता है। द वाइब्रेशन इज ट्रांसमिट टू द एनकस एंड देन टू द स्टेपिस, और इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल ये ईयर है और इसके साथ साथ ये फॉर एग्जाम्पल ईयर केनाल है, यहाँ पे ईयर ड्रम्स है और इसके साथ अटैच है थ्री स्मॉलेस्ट बोन। तो जब साउंड वेव्स पिना के जरिए अंदर दाखिल होता है ऑडिटरी केनाल में, तो ये ऑडिटरी केनाल में साउंड वेव्स ईयर ड्रम को जो है वो वाइब्रेट करते हैं, ईयर ड्रम इन थ्री बोन्स को एक्टिवेट करता है और इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। एज द स्टेपिस मोक्स बैक्स एंड फोर्थ इट वाइब्रेट्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो। तो यहाँ पे एक दूसरा विंडोज प्रेजेंट होता है, जब ये बोन्स वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इस ओवल विंडोज को जो है वो वाइब्रेट करते हैं और इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। द मूवमेंट ऑफ द ओवल विंडो वाइब्रेट द फ्लूइड इन द पेरी लिम्फ ऑफ द कोकलिया एंड द एंडो लिम्फ इनसाइड द कोकलियर डक्ट। तो जब ये ओवल विंडो एक्टिवेट होती है तो इसके बाद ये एंडो लिम्फ और पेरी लिम्फ जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द कोकलियर डक्ट तो वो एक्टिवेट होता है और इसके ज़रिए ये इन फ्लूइड के ज़रिए ये वाइब्रेशन जो है ये आगे फॉरवर्ड होती है। द एंडोलिम्फ वाइब्रेट द हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो जब एंडोलिम्फ वाइब्रेट होती है तो ये सेल ऑफ कॉर्टी जो कि मैंने आप लोगों को शक्ल इस स्ट्रक्चर में इंटरप्रेट किया, ये इस सेल्स को एक्टिवेट करता है और फिर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है वो स्टिमुलेट करता है वेस्टिब्यूलोकोकल नर्व, वो नर्व जो रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए, इसको जो है एक्टिवेट करता है और ये वेस्टिब्यूलोकोकलियर नर्व
ये इस नर्व इम्पल्स को जो है वो पहुंचा देता है इनटू मेडुला। तो देखिए मेडुला वो पार्ट है ब्रेन के अंदर जो कि हियरिंग की इंटरप्रिटेशंस के लिए और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है जो कि मैंने आप लोगों के सामने इंटरप्रेट की कि किस तरह जो है वो साउंड वेव्स आर्टिकल से आके मेडुला तक पहुँच जाती है। इसके बाद ये फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम्स का मतलब ये कि किस तरह हम अपने वजूद को जो है वो मुतवजन रखता है। द पोजीशन ऑफ द सेमी सर्कुलर केनाल इज वाइटल इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक पर्टिकुलरली ऑफ द हेड। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी हेड को एक साइड पे दूसरी साइड पे करके हमें पता चलता है कि आवर हेड इज टुवर्ड द राइट साइड और टुवर्ड द लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड और बैक साइड। ये किस चीज़ की वजह से? ये वो इन सेमी सर्कुलर या विस्टिबुलर सिस्टम के अंदर जो फ्लूड होता है इसके जरिए हमें पता चल जाता है। इन द एम्पूला द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द केनाल। तो देखिए विस्टिबुलर का जो डायलेटेड पार्ट है इसका जो मेन इस तरह डायलेटेड पार्ट था शिकल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड और इस डायलेटेड पार्ट को हम कहते हैं एम्पूला। बाई मूविंग हेड द हेयर सेल आर बैंड बाई द एंडोलिम्फ इन द एम्पूला। तो जब हम हेड को बैंड करते हैं तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं एंडोलिम्फ। बेंडिंग ऑफ हेयर बंडल प्रोड्यूस रिसिप्टर पोटेंशियल। और इस तरह जब हम हैंड को एक साइड से दूसरी साइड पे हेड को जो है वो मूवमेंट देते हैं तो इसकी वजह से ये जितनी भी रिसिप्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इक्विलिब्रियम्स के लिए वो एक्टिवेट होते हैं एंड द रिसिप्टर पोटेंशियल लीड टू नर्व इंपल्स। और इसके अंदर ये रिसिप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं दैट पास अलॉन्ग द वेस्टिबुलर ब्रांच और ये वेस्टिबुलर ब्रांच के जरिए पहुँच जाती है टू वर्ड वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व और वेस्टिबो कोक्लियर नर्व्स के जरिए हमें फिर इक्विलिब्रियम्स का पता चल जाता है। बोथ सेरिबेलम एंड सेरिब्रम गिव फीडबैक टू ऑल स्केलेटल मसल इन टर्न ऑफ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो देखें मेडुला का मेन फंक्शंस क्या था? मेडुला का मेन फंक्शंस ये था कि वो हियरिंग की इंटरप्रिटेशंस के लिए यानी हमें आवाज़ सुनने आवाज़ की इंटेंसिटी मालूम करने आवाज़ की टाइप मालूम करना ये काम है मेडुला का। अब देखिए सेरिब्रम एंड सेरिबेलम का मेन फंक्शंस क्या है? इक्विलिब्रियम। तो एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि इक्विलिब्रियम इज मेंटेन विद द विच बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग इसको याद रखें कि सेरिबेलम एंड सेरिब्रम का काम क्या है? वो है इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन।